वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में रेशनल नंबर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसमें प्रॉपर्टी लगाई थी हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। रेशनल नंबर की सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स, यानी रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेट भी हो सकता है लेकिन साथ साथ रिकरिंग रहेगा यानी रिपीटिंग रहेगा। देर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। फर्स्ट इज प्योर रिकरिंग एंड सेकेंड इज मिक्स्ड रिकरिंग, प्योर और मिक्स्ड। फर्स्ट टाइप मिला देखो हमें प्योर। प्योर का मीन्स टर्मिनेटिंग वैल्यू जो होती है डेसिमल के बाद की, वो केवल सिंगल टाइप की होगी। जैसे मान ली मैंने यार टू लिखा तो केवल रिपीटेड नंबर मेरा टू हो गया। मैंने लिखा 0.35 और उसके ऊपर लगाया साइन मैंने बार का, तो ये मेरे बार का साइन कहता है बार बार, यानी बार बार वैल्यू यही रिपीट हो रही है। इट मीन इसमें रिपीटेड नंबर हो गया 35। लेस लिया मैंने 1.27, इट मीन्स मेरा 27 रिपीटेड नंबर बना। एक एग्जांपल और लेते हैं अपना उसका, माने 1.135, तो इसमें रिपीटेड नंबर बन गया अपना 135। मिक्स रिकरिंग में क्या होगा, अभी तक तो केवल रिपीटेड नंबर ही आ रहे थे लेकिन मिक्स नंबर में जाते ही डेसिमल के बाद की कोई एक सिंगल डिजिट वो तो नॉन रिपीटेड होगी। उसके बाद ऐसे मान लिया मैंने 32 लिखा, 32 केवल बार लगाया मैंने 2 के ऊपर, इट मीन्स मेरा रिपीटेड नंबर कौन बना 2, 3 मेरा नॉन रिपीटेड नंबर है। इस कंडीशन को क्या कह दिया हमने, मिक्स्ड रिकरिंग। जैसे एक एग्जांपल और लिखा मैंने 0.125, इसमें मैंने लिखा 25 के ऊपर बार, इट मीन्स मेरा रिपीटेड नंबर कौन बना 25, 1 मेरा रिपीटेड नंबर नहीं है। इसी टाइप्स को अब क्वेश्चन के रूप में कैसे पूछा जा सकता है हमें ये डिस्कस करते हैं। तो टाइप मिलता है हमें कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। अब बात करते हैं को प्राइम की। तो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है पहले को प्राइम नंबर क्या होता है, तो ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शन फॉर्म में हो और वन के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है, ना उसमें वन के अलावा उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। फर्स्ट एग्जांपल लिया मान लिया मैंने प्योर रिकरिंग का। क्वेश्चन बना मेरा 0.2 की बार, तो यहां रिपीटेड नंबर कौन बना मेरा 2 की बार, यानी 2 बन गया रिपीटेड। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था 0.2222 .. इट मींस ये नॉन टर्मिनेटिंग भी बन गया और रिकरिंग भी बन गया, यानी 2 मेरा रिपीटेड नंबर बना। रिपीटेड नंबर केवल सिंगल डिजिट थी, तो हमने किया लेट x इज इक्वल्स टू 0.222 और इसको बनाया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो रिपीटेड नंबर हमारे पास सिर्फ एक सिंगल डिजिट आ रही थी इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और वही अगर रिपीटेड नंबर अपनी 2 डिजिट होती है तो 100 से, 3 डिजिट होगी तो 1000 से। तो रिपीटेड नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि मल्टीप्लाई हमें किससे करना है। तो हमारे यहाँ पे केवल सिंगल डिजिट रिपीट है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10,
then 10x equals to 2.222. Equation number second. इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो लिखते हैं इसके लिए ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो ये बना देखो अपना 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 2.222 माइनस 0.222, सब्ट्रैक्ट किया तो यहां बचा अपने पास 9x और यहां हुआ हमारे पास 2, therefore x equals to 2/9 और 2/9 तो बन गया अपना p by q की फॉर्म और 2 और 9 में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इट मींस ये बन गया आपस में कोप्राइम नंबर्स। टेक अनदर एग्जांपल्स विद टू रिपीटेड नंबर्स जिसमें कोई दो डिजिट ऐसी होगी जो बार-बार रिपीट हो रही होगी, तो मान लिया एग्जांपल लिया मैंने इसके लिए एक 0.35 और लगाया 35 की बार, इट मींस रिपीटेड नंबर कौन बना अपना 35, देन x इक्वल्स टू 0.35 35 और 35, मैंने 3 टाइम लिख दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दी, रिपीटेड डिजिट कितनी थी 2, इट मींस मल्टीप्लाई बाय 100, वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया अपना देखो 100x और ये बन गया 35.3535 एंड सो ऑन, वही ऑन सबट्रैक्टिंग तो 100x माइनस x इट गिव्स 99x, 35.35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा अपने पास 35, देयरफॉर x इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाय 99 और ये आया अपना इन द फॉर्म ऑफ p बाय q एंड कोप्राइम नंबर्स। टेक अनदर एग्जांपल, अब तक देखो अब तक के क्वेश्चंस में हमने लिया 0 point something, अब मान लिया मैंने दे दिया आपको थर्ड क्वेश्चन इज 1.271 और बार दे दी मैंने 271 के ऊपर और यहां स्टार्टिंग वैल्यू जीरो की जगह कुछ और पुट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेथड सेम है, तो लिखा लेट x इज इक्वल्स टू 1.271 की बार, इक्वेशन फर्स्ट डालें, कोई जरूरी नहीं कि बार बार 271 लिखे हम लोग, हमने बार लगा लिया, इसमें रिपीटेड नंबर है, डिजिट कितनी है टोटल रिपीटेड डिजिट के लिए 3 डिजिट है, इट मींस वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000, तो x को 1000 से करते हैं 1000x और ये बनेगा आपका 1271.271 की बार ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो 1000 में से 1 लेस किया बचा 999x 999x और इसको लेस करते बना 1270, therefore x equals to 1270 divided by 999, ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं होते, इट मींस ये बन गया अपना कोप्राइम नंबर्स और कन्वर्ट हो गए अपने p by q की फॉर्म में। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स लिए थे हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर का, फर्स्ट टाइप प्योर नंबर्स, अब सेकंड बात करते हैं मिक्स्ड रिकरिंग की। मिक्स्ड का मतलब क्या था कि डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट या डबल डिजिट नंबर ऐसे हो सकते हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, उसके बाद आने वाली वैल्यू रिपीट होती है, तो एग्जांपल डालते हैं मिक्स्ड रिकरिंग के लिए, फर्स्ट लिया मान लिया मैंने 0.32 और ये 1, देखो बार लगाया मैंने केवल 2 और 1 के ऊपर, 3 को ऐसे ही छोड़ दिया, इट मींस ये 3 जो था वो मेरा रिपीटेड नंबर नहीं है, केवल रिपीटेड नंबर कौन है मेरा 2 और 1, प्रोसेस सेम वही है, लेट
एक्स इज इक्वल्स टू 0.32121 इक्वेशन फर्स्ट बन गई क्योंकि रिपीटेड नंबर क्या था अपना 21 तो मैंने 21 को 2 टाइम लिख दिया बाकी डॉट डॉट लगा दिया और मैथमेटिक्स में लॉजिकली बात ये होती है कि अगर 3 टाइम डॉट डॉट लगा दिया जाए तो वही बात कंटिन्यू चलती रहती है। अब देखो रिपीटेड नंबर कौन नहीं है अपना केवल 3 है सिंगल डिजिट तो पहले नॉन रिपीटेड नंबर को ट्रांसफर करते हैं तो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 क्योंकि सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है अपनी तो ये बन गई अपनी 10x इज इक्वल्स टू 3.2121 इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो अब तक तो हमने क्या किया है केवल नॉन रिपीटेड नंबर को ट्रांसफर किया है अब रिपीटेड नंबर को भी लाना पड़ेगा आगे वाले पहले वाले क्वेश्चन की तरह तो अगेन बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय रिपीटेड डिजिट कितनी है 2 तो मल्टीप्लाई 100 से कर दिया हमने तो 100 को 10 से करते क्या बना अपना 1000x ये हो गया 3.21121 इक्वेशन नंबर 3। देखो मैंने सेकंड नंबर इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई किया आप चाहो तो फर्स्ट नंबर इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो लेकिन फर्स्ट नंबर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 100 की जगह 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर वही ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड तो 100 में से 10 लेस किया 990x इसको लेस करोगे तो आएगा 318 देयरफॉर x इक्वल्स टू 318 अपॉन 990। अब देखो ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है अभी तक तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं 2 से डिवाइड करके तो 318 डिवाइडेड बाय 2 और 990 डिवाइडेड बाय 2 2 से किया तो हो गया अपने पास 159 और ये हो गया 4.95। अब आगे फर्दर डिवाइड नहीं होता इट मीन्स ये बन गया अपना पी बाई क्यू की फॉर्म में और बन गया अपना को प्राइम नंबर्स। इसी तरह अनदर एग्जांपल भी ले सकते हैं एक एग्जांपल पे डिस्कस और करते हैं अपने तो मैंने मान लिया एक एग्जांपल लिया छोटा सा 0.15 और रिपीटेड नंबर कर दिया मैंने यहां 5 तो वही लेट x इक्वल्स टू 0.15 की बार सिंगल डिजिट रिपीट है और नॉन रिपीटेड नंबर भी अपने पास 1 है तो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 तो 10 से करते हो गया अपना 10x और ये हो गया 1.5 की बार। अब इस रिकरिंग नंबर को रिपीटेड नंबर को ट्रांसफर करना है तो हम फिर वही अगेन मल्टीप्लाई बाय टेन से करते ये बन गया देखो आपका 100x और ये हो गया 15.5 की बार ऑन सब्ट्रैक्टिंग 100 में से 10 लेस किया बचा अपने पास 90x 15 में से 1 लेस किया बचा 14 देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 19 डिवाइडेड बाय 2 7 × 2 = 14 और ये 45 टाइम और 7/45 बन गया अपना p by q की फॉर्म में और को प्राइम नंबर के रूप में आ गया। तो यहां तक तो हमने सीखा कि रेशनल नंबर्स को किस तरह से p by q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक छोटा सा पार्ट है
इरेस नंबर प्रॉपर्टी का, तो उसी को भी सॉल्व करते हैं ताकि अपने इस टोटल थ्री वीडियोस के बाद इसका एक आपको असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट वर्क मिल जाए होमवर्क करने के लिए, वो इन्हीं वीडियोस के ऊपर बेस्ड होगा। तो नेक्स्ट लेते हैं अपने इरेशनल नंबर। देखो स्टार्टिंग प्रॉपर्टी जब की थी तो हमने लिखा था रेशनल नंबर और इरेशनल। रेशनल तो वो थे कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और ये वो थे जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, यानी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ऐसे नंबर्स हो सकते थे। तो अगर आपको इस टाइप की प्रॉपर्टी के क्वेश्चन मिले और आपको ये क्वेश्चन कहे कि इरेशनल क्या होता है, तो इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, कि जिसको हम लोग पी बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो मान लिया मैंने एक एग्जांपल दिया आपको और ये पूछा कि इंसर्ट इरेशनल नंबर बिटवीन गिवन नंबर, कि दिए हुए नंबर के बीच में आपको इरेशनल नंबर्स पुट करने हैं। और एक एग्जांपल दे दिया मैंने आपको टू एंड थ्री, क्वेश्चन दिया एक टू और थ्री का। तो मैंने क्या कहा कि ये इरेशनल के बीच लगाना था, और इरेशनल की प्रॉपर्टी क्या थी कि एक तो इनको p by q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एक प्रॉपर्टी और भी थी अपने पास कि ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, क्या तो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही कभी रिपीट होते हैं। तो इनके बीच के कुछ भी नंबर हो सकता है, नंबर कोई भी आ सकता है, जैसे रेशनल नंबर प्रॉपर्टी में आए थे ठीक उसी प्रकार नंबर कुछ भी हो सकते हैं इसके बाद, लेकिन ये कह रहा है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो मान लिया मैंने इसके बीच ये भी तो लिख सकता हूं मैं 2.1 हो सकता है मेरा, 2.2 हो सकता है, 2.3, 2.4 अप टू 2.9 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सारे के सारे क्या रहेंगे अपने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स में। जैसे एक एग्जांपल और लू मैं आपके लिए कि मान लिया मैंने लिखा 0.12 एंड 0.13, क्या आपको कहा कि 0.12 और 0.13 के बीच के इरेशनल नंबर्स निकालो, तो मैंने लिख दिया। अब 12 और 13 के बीच तो कुछ आते नहीं है, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं। तो मैंने लिखा देखो 0.12 मान लिया 10 100 1000 1003 कुछ भी लिख दिया मैंने, 0.12 11 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1, यानी नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं इसके बीच के, लेकिन प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है हमें कि वो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है ना ही नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो आ ही रहे, लेकिन नॉन रिकरिंग भी होने चाहिए, रिपीटेड नंबर भी नहीं होने चाहिए। कई बार हमें फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन भी दे देता है ये, जैसे मान ली मैंने आपको एग्जाम्पल और लिया 1/7 एंड 2/7। अब आपको ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई इसके बीच के इंसर्ट इरेशनल नंबर्स करो, तो आपने क्या करना है कि पहले 1 को 7 से डिवाइड करोगे और 2 को भी 7 से डिवाइड किया। मान ले मैंने 1 को जब 7 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया 0.142, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, और जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये बना मेरा 0.2 7 2 14 7 8 56 4 7 5 35, ये भी कंटिन्यू चलता रहेगा। तो पहले मैंने इसको फ्रैक्शन फॉर्म को डेसिमल में कन्वर्ट किया, अब इसके इरेशनल प्रॉपर्टी के लिए इसके इरेशनल नंबर निकाल लेते हैं। तो इसके बीच में तो कुछ भी हो सकते हैं नंबर्स अपने पास, जैसे मान लीजिए 0.1510 फिर 0.1623 डॉट 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 कुछ भी ले सकते हैं इसके, ठीक है बेटा। इसी के साथ साथ
अपना रेशनल नंबर प्रॉपर्टी और इरेशनल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहीं एंड होते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।